बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज बन रही है टूना फिश। मैं जो टूना यूज़ कर रही हूँ वो इस तरह के पैक में आती है, वाटर और सॉल्ट के साथ। ये मुख्तलिफ उसमें होता है, इसमें ऑयल के साथ भी आता है, लेकिन मैं जो है वो वाटर और सॉल्ट के साथ लेती हूँ। तो ये टूना है, 2 से 3 केन लिए हैं मैंने। ये जो आपको बॉक्स दिखाया है इसमें से मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी रिमूव किया और इसको एक दफ़ा ऊपर से वॉश कर लिया। वैसे नहीं करते हैं अमूमन लोग, लेकिन मैं कर देती हूँ। नमक 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, इसमें ऑलरेडी नमक होता है, लेकिन मैं नमक अपनी ये सब्ज़ी के हिसाब से थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। पार्ट्स ले जाएगा, मेन है ये, इसमें इसी से इसका टेस्ट आता है। टमाटर, शिमला मिर्च और 5 प्याज, ये मैंने 2 बड़ी कट करके ली हैं। तो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपने नोट कर ली होगी। और इसमें ये ऑलिव ऑयल। चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने फ्राई पैन ले लिया है, मैं इसमें थोड़ा सा ये ऑयल डाल रही हूँ। इसमें वैसे ऊपर से ऑयल डाल के खाया जाता है, ऑयल और लेमन के साथ, ठीक है। अब मैं इसमें टूना ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये सालन की तरह नहीं होता है, बल्कि आप इसको एक तरह से सैलेड कह लें कि टूना फिश की सैलेड हम बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का लगता है। इसके साथ आप सैलेड बनाएं और इसको एंजॉय करें। ये वैसे भी खाया जा सकता है स्पून के साथ, और आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। हम लोग इसको खुबूस के साथ खाएंगे। और मैं इसको अब रेडी कर रही हूँ, मैंने सैलेड भी बनाना है इसके साथ। बस ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, थोड़ी थोड़ी सी ये तोड़ दी मैंने, थोड़े थोड़े से ऐसे साबुत रहने दिया है, बिल्कुल ना तोड़ें, हल्का हल्का तोड़ लें। मैं ऑयल बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग ऊपर से इस पे डाल के खाते हैं, ठीक है। अब ये हम लोगों की ये टूना गर्म हो गई है, अब मैं इसमें ये ऑनियन ऐड कर रही हूँ। ये वाइट ऑनियन है, वाइट ऑनियन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। आप दूसरी जो आम यूज़ करते हैं रेड वाली, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइट का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। बस 1 से 2 मिनट हमें ये और हीट पे रखना है कि हल्की हल्की सी प्याज सॉफ्ट हो, ज़्यादा ना, पकाना नहीं है हमें। अब मैं इसमें ये शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। प्याज डाल के बस 2 मिनट कुक करना है, और उसके बाद शिमला मिर्च डाल के आप 2 मिनट रखें। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ।
गरम मसाला ऐड करें ताकि इसका टेस्ट आ जाए। इसमें कुछ ना भी मिलाएं आप नमक और गरम मसाला, ये तब भी बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें ये थोड़ा सा ऐड किया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। देखें ये लग रहा है ना कि ये हम लोग कोई सैलेड तैयार कर रहे हैं। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी, ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद टमाटर डाल के मज़ीद एक मिनट बस मैंने इसको पकाया है। अब मैं इसमें ये पार्सले ऐड कर रही हूँ। पार्सले मैं और भी डालूँगी क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, क्योंकि इसको डालने के बाद बस मुझे कुक नहीं करना, ख़त्म कर देना है, बंद कर देना है फ्लेम को। बस ये डन हो गया है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। जी टूना फिश रेडी हो चुकी है, ये देख लें आप, बहुत ज़बरदस्त प्लेटर लग रहा है, बहुत मज़ेदार सा। और इसके साथ मैंने मिक्स सैलेड बनाया है। मैं इसको लेमन और जैतून के साथ ऊपर से डाल के सर्व करूँगी। मैंने इसमें पूरे में नहीं डाला है, जिस जिसको डालना होता है वो अपनी प्लेट में डाल लेता है अपने हिसाब से लेमन और ऑयल। तो ये बहुत मज़ेदार लगता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।